हाल ही में भारत में लॉन्च हुआ हिट एंड रन कानून, जिसके कारण अगर किसी ड्राइवर से अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है और वह मृत्यु का कारण बनता है तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसके पारित होने से लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पर राहुल गांधी का एक बयान आया, आइए देखते हैं। राहुल गांधी ने लिखा है, बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतांत्रिक की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 सांसद निलंबित थे तब संसद में संसद ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। लोकतंत्र को चाकू से चलाने वाली सरकार संसद के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। बीच नीता डिसूजा का रिप्लाई आया, मोदी सरकार मनमानी बंद करो, तानाशाही बंद करो, चर्चा से संवाद से डरने वाली क्रूर और निर्गुण सरकार चला रहे हैं मोदी जी। परेशान हो जाती घर पे मिलने के लिए, हम कार चलाने वाले लोग, हम कार चलाने वाले लोग रात को घर जाके सोते हैं, ये 15 दिन घर पहुँचते हैं, इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों से पूछे क्या हालत होती है। कैसे पालता है, कड़ी मेहनत करके। और सोनू सूद को आजकल हर कोई जानता है, वो एक चैरिटी भी चला रहे हैं, सूद चैरिटी फाउंडेशन। इसी बीच उनसे एक बिहार का विकलांग व्यक्ति मिलने गया, सोनू सूद ने एक्स पर कुछ पोस्ट की, आइए पोस्ट को पढ़ते हैं। ए कॉल टू द गवर्नमेंट फॉर सपोर्ट इन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसेबल्ड पीपल टू लीड फुलफिलिंग लव्स वाई वर्किंग टूवर्ड्स इंक्रीज्ड बेसिक पेमेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज वी टेक ए सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स बिल्डिंग ए सोसाइटी दैट ट्रूली केयर्स फॉर द इंक्लूड्स एवरीवन। सूद खुद इस डिसेबल पर्सन से मिले, आइए इस वीडियो को देखते हैं। मैं आज धर्मेंद्र के साथ हूँ, धर्मेंद्र अभी वैशाली से आया बिहार से, और मुझे भी पता चला कि कोई भी डिसेबल्ड आदमी जो विकलांग इंसान होता है उसको हर महीने सरकार 400 रुपये देती है, 400। तो आप सोचिए कि एक आदमी जिसको 400 रुपये मिलते हैं, 400 रुपये में एक महीने का खर्चा कैसे चलाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या भाड़ा देगा, क्या बाहर जाएगा। तो मैं बिहार सरकार से और जो भी सरकारें हैं अलग अलग जिलों में विकलांग लोगों के लिए जिनके हाथ पैर नहीं है, अपने लेवल पे काम नहीं कर सकते, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि 400 रुपये में कुछ नहीं हो सकता किसी का भी, तो एटलीस्ट मिनिमम 1000 रुपये 1200 रुपये तक होना ज़रूरी है, मे बी शायद ज़्यादा भी, पर कम से कम 400 रुपये तो नहीं। बट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि धर्मेंद्र जैसे लोग जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर हैं उन लोगों के लिए ये जो स्कीम है सरकार की विकलांग लोगों के लिए बननी चाहिए, तो बननी चाहिए। देखा बोल दे के बढ़ाओ यार, बहुत तकलीफ में हो सरकार, बहुत तकलीफ होता है, होएगा यार, सुनेगी सरकार तेरी, ठीक है, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।